Hello students, let's start today's our dance class. We'll start from namaskar. Namaskar karna hai mere saath aapko. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंगिकम भुवनम यस्य बोलते हैं. ओके, क्लोज योर आईज. अंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्व वाङ्मयम् आहार्यम चंद्र तारादि त्वं वंदे सात्विकम शिवम वम वंदे सात्विकम शिवम. गुरु श्लोक. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः. रिलैक्स योर सेल्फ. सो आई थिंक सो आप पूरा जो भी अडूज मैं सिखा रही हूँ आपको हर पीरियड में आप कंटिन्यूअस रख रहे हो, क्योंकि अभी नेक्स्ट पीरियड से हम डांस सीख रहे हैं. ओके, तो वो डांस में ये अडूज इंक्लूड करेंगे, मुद्राज का मुद्राज इंक्लूड करते हैं, और जो भी श्लोक सीखा है उसका भी इसमें यूज होता है. तो पूरा रिहर्सल प्रैक्टिस, आपको पूरा रियाज रखना हर रोज, हाफ आवर तो रखना. ओके, हाफ आवर तो निकालना चाहिए डांस के लिए. सो एक्सरसाइज भी हो जाएगा और डांस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी. ठीक है, सो इन लास्ट पीरियड व्हाट वी लर्न, पेरी अडू. हाँ, पेरी अडू और मंडी अडू सीखा हमने. तो पेरी अडू मंडी अडू का थोड़ा सा भी रिविजन करेंगे, और उसके बाद आज और एक न्यू अडू सीखने जा रहे हम, वो है धी धी तई. ओके, धी धी तई अडू. हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरी अडू एक बार करते हैं. हाँ, सो पेरी अडू मेरे साथ ही आपको करना है, क्योंकि आपको पता है कैसे करना है. मैं अभी राइट में जा रही हूँ, राइट टू लेफ्ट जाना है हमें. सो थोड़ा सा आपने राइट में जाओगे तो यहां से वहां तक. हाँ, तो हाथ का पोजीशन कैसा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 करेक्ट. सो बेंड डाउन, हाथ दोनों कटका मुखम मुद्रा में. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 relax. विलंबित लय हो गया, अभी मध्य लय. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 relax. Okay, so ये कौन सा अड़ू हो गया? अभी मध्य लय हो गया. नाउ द्रुत लय. हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 रिलैक्स. सो पेरी अड़ू आपको समझ में आया, प्रैक्टिस भी किया, तो लय में प्रैक्टिस रखना बहुत जरूरी है. ओके, तो लय में आपको अच्छे से प्रैक्टिस रखना है. हाँ,
अभी मंडी अडू आपका फेवरेट थाइस बहुत पेन हुए आई थिंक सो मंडी अडू करने के बाद तो थोड़ा सा होता है हा? तो प्रैक्टिस रखना कंटिन्यूअसली तो मंडी अडू करेंगे अभी स्लो ही करेंगे और थोड़ी थोड़ा ही रिवाइज करेंगे बट करेंगे हा? तो दोनों हाथ शिखर मुद्रा में रहेंगे टेक योर पोजिशन फॉर मंडी अडू आपको ऐसे दो पैरों पे नीचे बैठना है हा? तो क्या करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 रिलैक्स थोड़ा थोड़ा ही करेंगे ओके बट बैलेंस योर सेल्फ मंडी अड़ू की थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको रखना है हा? सो हम अभी रिवाइज करेंगे मुद्राज तो रिलैक्सेशन भी हो जाएगा फिर नेक्स्ट अड़ू सीखने के लिए आप फ्रेश भी हो जाओगे हा? तो रिलैक्सली बैठो या खड़े रहो डजंट मैटर जैसा आपको रिलैक्स रहे लगे वैसा बैठ जाओ दूसरा हाथ अपना लेफ्ट ऐसे रहेगा राइट हैंड सी एल्बोज ऐसे मत रखना इसे पीछे चाहिए ऐसे पताक मेरे साथ बोलना है आपको त्रिपताक अर्धपताक कर्तरीमुख मयूर अर्धचंद्र अराल शुखतुंड मुष्टि शिखर कपित्य कटकामुख सूची चंद्रकला पद्मकोश सर्पशीर्ष मेघशीर्ष सिंहमुख कांगूल अलपद्म चतुर भ्रमर हंसास्य ओके हंसास्य तक ही करना आपको प्रैक्टिस करो ये हाथ अगर आगे का भी मैंने सिखाया आगे का भी आपको आता हो तो प्रैक्टिस करना है बट रूटीन में यहां तक किया तो भी चलेगा हा सो वन मोर टाइम डू विथ मी से पताक त्रिपताक अर्धपताक कर्तरी मुख मयूर अर्धचंद्र अराल शुखतुंड मुष्टि शिखर कपित्य कटकामुख सूची चंद्रकला पद्मकोश सर्पशीर्ष मृगशीर्ष सिंहमुख कांगूल अलपद्म चतुर भ्रमर हंसास्य ओके रिलैक्स योरसेल्फ सो रिलैक्स हो गए नाउ मैंने कहा था कि टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू अडू हा धी धी तई हा तो अभी क्या करेंगे मैं सिर्फ उसका पैर बताती हूँ पहले फिर हाथ बताती हूँ दोनों मिलके करके बताती हूँ तो आपको सिर्फ सीखना है कि एग्जैक्टली हाथ का पोस्चर कैसा है पैर का पोस्चर कैसा है ये आपको देखना है हा? मेरे साथ मत करो अभी आप रिलैक्स बैठ के देख सकते हो पहले तो उसके बाद मैं जब करने के लिए बोलूंगी अड़ू तो मेरे साथ आपको अड़ू करना है हा? पहले फर्स्ट यू लर्न हाउ इट वॉज एग्जैक्टली हा तो पैर कैसा है दीदी तई का पहले आपको क्या करना है एज इट इज बेंड
ये कॉमनली भरतनाट्यम के डांस में बहुत बार यूज होता है। हाँ, तो ध्यान से देखना है आपको दीदी तय क्या करना है, अपना पैर 1 2 3 1 2 3 राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट धी तई धी तई धी तई धी तई। ओके, तो पैर समझ में आया आपको, ज्यादा काउंटिंग भी नहीं है, सिर्फ 3-3 काउंटिंग्स है। ओके, राइट साइड करोगे राइट लेफ्ट राइट देन लेफ्ट राइट लेफ्ट धी तई धी तई धी तई धी तई, ये है बोल उसका। हाँ, तो अड़बू का नाम भी वही है। तो कितने कितने काउंटिंग्स है, 3-3 काउंटिंग्स है। हाँ, इसमें वेरियस टाइप का भी पैर ऐसे ही रहेगा, बट इसमें अलग अलग टाइप वेरियस टाइप के हैंड पोस्चर्स किए जाते हैं। हाँ, तो फर्स्ट वन पोस्चर सीखेंगे हम सिर्फ हाथ का भी। देखो आप, कटका मुख मुद्रा में रहेगा, इसमें यूज करेंगे हम कटका मुख मुद्रा और अलपद्मा। 1 धी तई 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 रिलैक्स। ओके, तो हैंड पोस्चर का एक टाइप समझ में आया। हाँ, पैर वही रहेंगे, फिर हाथ का पोस्चर अलग कैसे करना है, तो सेकेंड वन क्या है, सेकेंड वन कैसा है, शिखर मुद्रा में रहेगा हाथ, तो धी तई। ओके, तो ये टाइप्स भी अलग टाइप का पोस्चर हम हाथ का कर सकते हैं। हाँ, तो मैं अभी पूरा अड़ू आपको करके बताती हूँ, तो मेरे साथ बाद में प्रैक्टिस कर लेना। ओके, सो कैसे है, बेंड डाउन फर्स्ट, कटका मुख में हाथ रहेगा, धी धी तई 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 धी तई रिलैक्स। सो पूरा अड़ू आपके समझ में आया है, कैसे किया। हाँ, तो अभी क्या करोगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, पूरा अड़ू आपने देख लिया है, तो हाथ के साथ मत करना फर्स्ट। ओके, तो हमें करना है फर्स्ट सिर्फ पैर, मेरे साथ आपको सिर्फ पैरों की प्रैक्टिस करना है अभी। लेट्स डू विथ मी, बेंड डाउन, 1 राइट लेग बाहर जाएगा ऐसे क्रॉस में, सी अपने पैर को ऐसे नहीं रखना है, अपने साथ में थोड़ा सा क्रॉस में आएगा पैर। हाँ, 1 देन 2
पीछे वाला पैर टैप करोगे, देन थ्री राइट लेग, ओके, वन टू थ्री, बोल बोलना है मेरे साथ, मैं अगर काउंट भी कर रही हूं आपको समझ में आने के लिए, फिर भी आपको बोल कंटिन्यू रखना है, धी धी टई, वन टू थ्री, 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 रिलैक्स योर सेल्फ, पैर का किया प्रैक्टिस मेरे साथ, अभी हाथ का प्रैक्टिस करोगे, हाँ, लेट्स डू विथ मी, धी धी टई, धी धी टई, सी अपना हाथ कैसे जाना चाहिए, हाथ की पोस्चर की तरफ ध्यान देना है कि अपना पैर जाएगा क्रॉस में यहाँ पे, तो उसी पोस्चर में हमारा हाथ भी रहेगा ऊपर के साइड में, तो हाथ यहाँ पे मत करना, फ्रंट साइड में मत करना, क्रॉस में पैरों के साथ, ओके, से धी धी तई, ये एक ही हाथ पोस्चर का आप प्रैक्टिस करो पहले, तो एक बार परफेक्ट हो जाए तो वेरियस टाइप के अपने आप आ जाएंगे, धी धी तई, 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 धी धी रिलैक्स, ओके, तो हाथ का भी पैर मेरे साथ कर लिया प्रैक्टिस, अभी क्या करेंगे, हाथ और पैरों के साथ एक साथ करेंगे, ठीक है, बेंड डाउन, धी धी तई, 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 धी धी रिलैक्स, रिलैक्स योर सेल्फ, तो पूरा अड़ू आपको समझ में आया है धी धी तई का, हाँ, तो नेक्स्ट पीरियड से मैंने कहा था वी आर गोइंग टू लर्न अ डांस, तो ये सब अड़ू का प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, स्पेशली ये क्योंकि इसका बहुत डांस में बहुत बार यूज भी होता है, ओके, वेरियस टाइप में, सो धी धी तई हमने सीखा अभी, तो अभी क्या सीखना है हमें, तई दीदी तई, ओके, तो कैसे है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, हाथ और पैरों का एक साथ करना मे बी पॉसिबल है, नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस से हो जाएगा, बट सी फर्स्ट हाउ आई एम डूइंग, नाउ रिलैक्सली बैठ जाओ, एक बार किया दीदी तई का प्रैक्टिस, नाउ तई दीदी तई करना है हमें, ओके, तो कैसे है, पहले मैं एज यूजुअल पैर करके बताती हूँ अड़ू का कैसे है, तो बेंडिंग, देन क्या है, राइट तई, धी धी तई, ओके, हो गया, फिर हमें क्या करना है, लेफ्ट लेग टैप करना है, तई तई, धी धी तई, ओके, फिर क्या करना है, राइट लेग तई तई तई, धी धी तई, ओके, समझ में आया, फिर लेफ्ट तई, धी धी तई, ओके, देन तई तई, धी धी तई, फिर लेफ्ट तई तई तई, धी धी तई, समझ में आ गया, पैर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पहले क्या करना है हमें, राइट लेग फर्स्ट टैप करना है तई, ये जैसे मैंने किया, देन उसको क्या करना है, पहले वाला हमने जो
दीदी तय सीखा था उसे ज्वाइन करना है, फिर करेंगे हम तय तय, देन अगेन धी धी तय, देन तय तय तय, धी धी तय। तो हाथ कैसा है इसका? तय धी धी तय। सी हाथ कौन से मुद्रा में है? त्रिपता का मुद्रा में दोनों हाथ रहेंगे आपके। वो यहां पे रखना है। तय को क्या होगा? तय को कोई हाथ का पोस्चर नहीं है, तय को आप जगह पे ही करोगे। तय देन धी धी तय, अपना हाथ आएगा और पूरा ऐसे बैक साइड थोड़ा सा क्रॉस में जाएगा, यहां से आएगा अप साइड रहेगा, वन टू थ्री। हाँ, तई धी धी तई 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 धी धी तई 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 धी धी तई तई धी धी तई 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 धी धी तई 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 धी धी तई। ओके, समझ में आया? एक बार मैं फिर से पैर करके बताती हूँ आपको और हाथ करके बताती हूँ, कंफ्यूजन है कुछ तो देखो प्रॉपरली कि कैसे है। ओके, सी तई धी धी तई 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 धी धी तई 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 धी धी तई तई धी धी तई 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 धी धी तई 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 धी धी तई। आया समझ में? वन सॉरी वन तो जगह पे ही है, तई वन टू थ्री तई तई वन टू थ्री वा तई 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 वन टू थ्री, थ्री थ्री काउंटिंग्स में थ्री थ्री बीट में है तो समझ में रखना है। पहले राइट साइड पूरा सी बंच कब कंप्लीट होगा राइट साइड का? तय करते हैं हम, देन धी धी तय तय तय, देन अगेन धी धी तय 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 धी धी तय, ये हो गया राइट साइड कंप्लीट। फिर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, तय धी धी तय 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 धी धी तय 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 धी धी तय। कैसे है? सी राइट साइड फर्स्ट करने जा रहे हम, तई धी धी तई 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 धी धी तई 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 धी धी तई, ये हो गया राइट साइड। नाउ लेफ्ट साइड, तई धी धी तई 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 धी सॉरी तई तई धी धी तई 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 धी धी तई, ऐसे है। ओके, तो पूरा अड़ू मैं करके बताती हूँ आपको, तो आप सिर्फ देखो कैसे है क्या है। हाँ, तो प्रैक्टिस हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे दीदी तई दीदी तई का, बट अभी पूरा आपको देखना है कि कैसे है। ओके, सो बेन डाउन, दोनों हाथ रहेंगे त्रिपताक में, तई दीदी तई 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 दीदी तई 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 धी धी तई। सी जब धीधी तई कर रहे, पहले सिर्फ धीधी तई किया तो हमने पैर थोड़ा सा लंबा लिया था, तो इसमें ज्यादा लंबा पैर मत लो, बीट मिस हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? पास में ही क्रॉस में रखना है अपना पैर। सी लाइक दिस, धीधी तई धीधी तई धीधी तई धीधी तई, इज दैट क्लियर? तो पास में रहोगे तो आपको इजी जाएगा करने में। सी फर्स्ट हाउ आई एम डूइंग, त्रिपता का मुद्रा में हाथ रहेंगे, तई धी धी तई 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 धी धी तई 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 धी धी तई तई धी धी तई 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 धी धी तई 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 धी धी तई तई धी धी तई 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 धी धी तई 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 धी धी तई तई धी धी तई 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 धी धी तई 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 धी धी तई।
ओके तो पूरा अड़ू आपको समझ में आया है तई दीदी तई का। सो स्लोली स्लोली अभी आपको करने का प्रैक्टिस करना है अच्छे से। हाँ दीदी तई और तई दीदी तई ये पूरा प्रैक्टिस रखोगे तो ये जो दो न्यू अड़ू सीखे हैं इसका स्पेशली प्रैक्टिस रखना है। पूरा क्लियर हो गया आपको? ओके थैंक यू।